प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। सिंगल क्लिक के जरिए 9.3 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार किसानों को ये राशि ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले 28 फरवरी को सम्मान निधि की राशि डाली गई थी। आईआईटी खड़गपुर में असम के छात्र की मौत के मामले में हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीबीआई जांच की मांग की है। कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि हाईकोर्ट मामले को सीबीआई को सौंप दे। बता दें कि छात्र फैजान 14 अक्टूबर 2022 को अपने हॉस्टल में मृत पाया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जून तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में लू चलने की आशंका है। वहीं 18 जून तक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और जम्मू के कुछ हिस्सों में हीट वेव का सितम जारी रहने के आसार हैं। भारतीय पुरुष टीम के कोच पद के लिए आवेदन करने वाले एकमात्र उम्मीदवार गौतम गंभीर आज जूम कॉल के जरिए क्रिकेट सलाहकार समिति यानी सीएसई के सामने इंटरव्यू के लिए मौजूद रहेंगे। आज शाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आवास पर बड़ी बैठक होने जा रही है। जानकारी है कि इस बैठक में लोकसभा स्पीकर के नाम पर चर्चा की जाएगी। राजधानी में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 33 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने मंगलवार तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सेंसेक्स 226.62 अंकों की बढ़त के साथ 77,244.17 के स्तर पर पहुंच गया है। शुरुआती कारोबार में 77,326.80 के सर्वकालिक उच्च स्तर तक पहुंच गया है। दूसरी ओर निफ्टी 78.91 अंकों की बढ़त के साथ 23,544.50 पर कारोबार करता दिखा। बाजार खुलने के बाद ये 23,573.85 के अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। हरियाणा से दिल्ली के लिए यमुना में कम पानी छोड़े जाने के कारण वजीराबाद बैराज का जल स्तर 6.20 फीट गिर गया है। आलम यह है कि इसमें यमुना नदी में टापू दिखाई देने लगा है। इसका असर जल शोधन संयंत्रों पर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर ईमेल से दुबई जा रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद हड़कंप मच गया। इससे पहले भी दिल्ली में कई जगहों पर धमकी भरे ईमेल मिल चुके हैं। उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव में निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद भाजपा ने प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि जिसमें सबसे हॉट सीट मंगलौर विधानसभा में भाजपा के 33 चुनाव प्रचारक मंगलौर विधानसभा में प्रचार करेंगे। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी नाम शामिल है।